हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रेनीस गार्डन में। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो की शुरुआत गार्डन के खूबसूरत नज़ारे के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे तीन प्लांट्स जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और साथ में बहुत सस्ते भी हैं। इंडोर आउटडोर बहुत आसानी से चल जाते हैं और साथ ही हम छोटी से छोटी कटिंग से भी इनको ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के पास। तो पहला प्लांट है दोस्तों, ये पीलिया कैडरेई का प्लांट, और ये आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर प्लांट है। और इसकी पत्तियों में एल्युमिनियम जैसा मेटल लुक भी आ जाता है, एल्युमिनियम लुक आ जाता है, जिसकी वजह से इसे एल्युमिनियम प्लांट भी कहा जाता है, सिल्वर प्लांट भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं इसके दोस्तों, लेकिन ये कितना खूबसूरत है आप इसको आसानी से देख सकते हैं। जिस जगह पे मैंने ये लगाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सुबह सुबह की थोड़ी सी धूप आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बड़ा हो रहा है। कोई भी सीज़न हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, ये हमेशा ही अच्छा रहता है। और गर्मियों में इसका वैसे ग्रोइंग पीरियड है, और अगर आप इसकी कटिंग्स फरवरी मार्च में या बरसात में लगा लेंगे तो छोटी सी कटिंग से भी ये बहुत आसानी से चल जाएगा। इंडोर भी रख सकते हैं आप इसको, आउटडोर भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा देखभाल की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जो इसकी स्टेम्स होती हैं वो थोड़ी लचीली होती हैं दोस्तों, बहुत पतली पतली होती हैं, जिसकी वजह से कि हम इसको बहुत हाइट पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये लंबी हो करके फैल जाती है, लैगी लैगी सी हो जाती हैं। तो इसको हम नीचे रखेंगे तो ये इस तरह से लुक देगा, फैला फैला सा लुक देगा। और इसकी इसको ग्रो करने के लिए इसकी मैं यहाँ से पिंचिंग करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ फैलता रहता है। दोस्तों, ये एक ही प्लांट था और मैंने कटिंग से इसके दो प्लांट बना दिए, और ऊपर से पिंचिंग करते करते ये इतना पुशी हो गया है। तो इनडायरेक्ट सनलाइट में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको बाहर लगाएं तो इसे धूप में ना लगाएं, ऐसी जगह रखें जहाँ हल्की हल्की धूप आती हो या फिर मॉर्निंग की धूप आती है। तो आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ 40 रुपए में इस पौधे को लेकर के आई थी, और 40 रुपए में मिलने ये वाला ये पौधा कितना ही खूबसूरत है। ये देखिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे पौधे के पास। एक प्लांट ये है दोस्तों, इसका नाम है फिश बोन कैक्टस, और ये फिश की बोन की तरह होता है, जिसकी वजह से इसे फिश बोन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल हार्डी होती हैं, बहुत लंबी लंबी होती हैं फ्रेंड्स, और जहाँ तक भी चाहे ये बढ़ सकती हैं। दीवार के सहारे भी इसको चिपकाया जा सकता है, क्योंकि इसकी बैक साइड में इस तरह से ऐसे रूट्स निकल के आ जाती हैं जो कि दीवार में भी चिपक जाती हैं। बहुत ही सस्ता प्लांट है दोस्तों ये, और कटिंग तो आप इसकी अगर एक बहुत छोटी सी कटिंग भी इसकी लगा लेंगे फ्रेंड्स, इतनी सी कटिंग भी लगा लेंगे तो ये कटिंग भी आपकी ग्रो कर जाएगी। और दोस्तों, आवाज़ें बहुत आती रहती है, प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर रख सकते हैं, तेज़ धूप वाली जगह में भी रख सकते हैं दोस्तों, सेमी शेड में भी रख सकते हैं, जहाँ हल्की सी लाइट आती है वहाँ पे भी रख सकते हैं। इतना हार्डी ये प्लांट होता है, इसकी जो ये लीव होती है और इसकी ये जो स्टेम होती है, ये दोस्तों बहुत ही हार्डी होती है। और तो और इसको आप वाटर में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और कितनी खूबसूरती इसके अंदर है ये तो आप देख ही रहे हैं, बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने तो छोटे से प्लांटर में इसको उगाया हुआ है, और इसकी पत्तियाँ कितनी लंबी हो गई हैं आपको मैं दिखाती हूँ। एक और जगह मैंने इसको लगाया हुआ है, चलिए मैं आपको उसको भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने इसको लगाया हुआ है इस बॉटल में, और ये इस तरह से ग्रो होकर के इस तरह से ऊपर गया हुआ है। तो आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं, छोटी सी कटिंग भी लगा सकते हैं, वाटर में भी लगा सकते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं। बहुत आसान है इसको लगाना, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ही आसान है। दोस्तों, सामने एक प्लांट देख रहे होंगे, इसका नाम है पेंसिल कैक्टस का प्लांट। ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट आपको नर्सरी में बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, और बहुत आसानी से ग्रो होने वाला, कम से कम फर्टिलाइज़र और कम से कम छोटे से छोटे गमले में भी ये ग्रो हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है कोकोनट के शेल में भी आसानी से ग्रो हुआ हुआ है। तो छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाती है। आपको उसको पानी में ग्रो करना है तो भी ये पानी में भी ग्रो हो जाता है। थोड़े टाइम तक आप इसे पानी में रख सकते हैं।
इंडोर में आप इसको रख सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की लाइट आती हो विंडो शेल या जहाँ पर हल्की सी लाइट आती हो वहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, छोटी से छोटी कटिंग से इसको ग्रो कीजिए। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें ना पत्तियाँ होती हैं ना फूल होते हैं, फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। खाद पानी की बात करें तो दोस्तों आप धूप छाया इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, खाद भी आप इसको दे सकते हैं साल में 2 बार 3 बार, ऐसे कोई इससे कोई हाई फीडर प्लांट नहीं है ये, बस बहुत आसान है। जो पौधे मैंने आज आपको बताए हैं वो बहुत आसानी से घर पे चल जाते हैं, एक बार आप अगर इनको ले आएंगे तो ये घर में हमेशा बने रहेंगे। आप इनको कटिंग से ग्रो करते रहिए, इंडोर आउटडोर दोनों जगह उगा सकते हैं और जल्दी से ख़राब होने वाले प्लांट्स नहीं हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।